तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। ठीक है, राम राम भाई, जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाओ। ठीक और तबीयत से? इस गांव के अंदर हिंदू कम्युनिटी के हमारे कितने घर रहते हैं? तकरीबन 200 घर है। हाँ, तकरीबन 200 घर हो जाएंगे। त्यौहार आया हुआ है हमारा दिवाली का। दिवाली का, बिल्कुल दिवाली का। तो अभी आप देख सकते हैं काफी लोग जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी के, बड़ा रश लगा हुआ है, सारे बाजारों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दिवाली के पटाखे वगैरह लेके आए हो? नहीं, अब जाने हैं, अब हमने शेर खरीदना है, घूमना है और पटाखे लेने हैं। अभी पटाखे वगैरह लेके आएंगे। तो दिवाली के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके काम जो है बढ़ा, अभी ज्यादा गाहक आ रहे हैं कि पहले ज्यादा आते थे? पहले से बेहतर आ रहे हैं। अभी पहले से बेहतर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं जी पाकिस्तान के अंदर हमारा एक बहुत ही बड़ा हिंदू गांव है। ठीक है, जहां पे तकरीबन हमारे हिंदुओं के जो 200 प्लस घर हैं, मतलब के 200 से भी ज़्यादा घर हैं जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे। ठीक है, और इधर हमारी हिंदू कम्युनिटी क्या काम काज करती है मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। और दिवाली की भी तैयारियाँ चल रही हैं तो इनसे पूछेंगे कि दिवाली वो किस तरह से मनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं जी वीडियो की जानब और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, चेक की एक गली ये भी है। ठीक है, और उसके बाद मैं लेके चलता हूँ जी आपको बाकी हिंदू गांव हमारा किस तरफ है वो दिखाता हूँ। सही है, तो ये देख लें जी, ये अभी रोड पे ही हूँ मैं। तो उसके बाद आपको लेके चलता हूँ जी हमारे हिंदू गांव की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, ये सारे जो बच्चे हैं हमारे हिंदू कम्युनिटी के बच्चे हैं। ठीक है, और ये घर जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे हिंदू भाइयों के घर हैं। और जैसा कि दिवाली का त्यौहार है तो मेहमान वगैरह काफ़ी आ जा रहे हैं। ये देख लें, सामने बाइक वगैरह खड़ी हुई है। ठीक है, और ये देखेंगे ये जानवर वगैरह बंधे हुए इनके। सही है, तो ये भाई हमारे फिर रहे हैं, देखे जी गौ माता को घास डाल रहे हैं। ठीक है, ये घास वगैरह डाल रहे हैं, तो मिलते हैं इनसे भी। तो राम राम भाई। जय श्री राम। तो भाई क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम, तो विक्रम भाई क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो? तबीयत से ठीक है? ठीक ठाक। तो भाई ये जो घर सारे नजर आ रहे हैं ये हमारे हिंदू कम्युनिटी के घर हैं सारे? हाँ बिल्कुल जी, हिंदू कम्युनिटी के घर हैं। ठीक हो गया। तो आप इधर कब से रह रहे हैं? हमें हो गया है तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए हैं। तकरीबन 30-35 साल आपको इधर हो गए? तेजी भाई कह रहे हैं हमें 30-35 साल हो गए। तो ये गाय आपने रखी हुई है? ये गाय है हमारे साथ। सही है, बकरियां भी हैं उधर। ठीक है, ये बकरियां वगैरह भी बंधी हुई जी इनकी। सही है, ड्राइवरी करते हैं रक्षे की। रक्षे की ड्राइवरी करते हो? ठीक है, तो कितनी इधर खड़ा हुआ? सही, तो कितनी रोजी बन जाती है? बस ये 1500 की दिहाड़ी बन जाती है। चलें सही है, तो जिंदगी मतलब सही गुजर रही है। सही गुजर। अभी दिवाली का त्यौहार है तो आप खुशी से मनाते हैं इधर दिवाली वगैरह? बहुत खुशी मनाते हैं हम। बहुत खुशी हमारी, तकरीबन परसों इतवार के दिन है, मतलब 2 दिन रह गए अभी। 2 दिन रह गए। ठीक है जी, दिवाली का 2 दिन रह गए और तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। ठीक है, राम राम भाई, जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाओ। ठीक और तबीयत से? ठीक है, फिट है। तो भाई अपना तारफ कराना पसंद करेंगे? जी भाई बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल राम है। लाल राम जी भाई। ठीक है, तो लाल राम आपका घर भी इधर ही है? जी भाई, मेरा घर भी इधर ही है, साथ ही है, ये चाचा है मेरे। सही हो गया जी, मैं इसका भतीजा हूँ। हाँ, और हम इधर इकट्ठे ही रहते हैं। इकट्ठे ही रहते हैं। तो लाल भाई, दिवाली जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन बाद है, तो आपके दिवाली के हवाले से इधर क्या कहना कि दिवाली इधर किस तरह से मनाई जाती है? भाई दिवाली का भी आपको वीडियो बनवाएंगे, आपसे दिवाली का व्यू भी आपको दिखाएंगे। सही हो गया। जोश और क्रोश से हम यहाँ पे दिवाली मनाते हैं, तो आप खुद देखिएगा, आप आइएगा, वीडियो बनाइएगा तो देखिएगा। और अभी जो है शॉपिंग वगैरह हो रही है, तो आपके इधर जो बच्चे वगैरह ये हैं इनकी शॉपिंग वगैरह आप कर रहे हो? इनकी शॉपिंग वगैरह भी हो गई है, आपको इनकी शॉपिंग जो जो की है वो आपको वो भी दिखाते हैं कि इन बच्चों ने क्या क्या खरीदा है। सही हो गया जी। ठीक है, तो ये भाई हमारे जी सब्जी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो राम राम भाई, तो क्या लेके आए हो अभी? सब्जी बताऊं? बताऊं लेके आए हो, क्या रेट लेके आए हो? 50 के 2 किलो। 50 के 2 किलो है, चले सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, अभी मैं आपको बाकी हमारे गांव का जो व्यू वगैरह वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर हमारा जो है हिंदू कम्युनिटी की एक शॉप है नाई की, वो भी मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। ठीक है, तो आपको चल के हिंदू भाई से भी मिलवाते हैं हमारे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारे, ये भी एक हिंदू भाई की हमारी शॉप है। ठीक है,
वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जी बाल बनाने वाली शॉप है। ठीक है, तो राम राम भाई। जय श्री राम। क्या ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो क्या नाम है आपका? साजन जी। साजन जी, ठीक है। और ये भाई भी हिंदू लग रहे हैं, तो राम राम भाई। जय श्री राम भाई। तो भाई क्या नाम है आपका? जी शामीर राम। शामीर राम, शामीर राम, आप इधर बाल बनवाने आए हुए हो? जी जी। ठीक है, तो लगता है दिवाली की तैयारियां जारी हैं। जी भाई, बात ऐसे समझो। बस दिवाली की तैयारियों की वजह से ये देखें जी, ये हमारे हिंदू भाई की शॉप है और यहाँ पे जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई हैं वो इधर से बाल वगैरह बनवाते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जो बाकी सामान वगैरह रखा हुआ है, कैंचियाँ उसरे वगैरह, ये देखें। ठीक है, तो भाई अभी तो जैसा कि दिवाली हमारे जो आने वाली है, दिवाली, तो दिवाली के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके काम जो है बढ़ा, अभी ज़्यादा गाहक आ रहे हैं कि पहले ज़्यादा आते थे? पहले से बेहतर आ रहे हैं। अभी पहले से बेहतर आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि अच्छी रोज़ी बन जाती है शाम तक? अच्छी बन जाती है। सही है, तो कितनी देर? 1400-1500। 1400-1400 बन जाती है। चलें जी, सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हिंदू गांव है जिसमें कि बहुत ही बड़ी तादाद एक हिंदू कम्युनिटी की रहती है और ये हमारा इधर एक यूनियन काउंसिल का दफ्तर है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जी मिलवाता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे इधर हिंदू भाई कुछ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो राम राम भाई। जय श्री राम भाई। भाई क्या हाल है? ठीक ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो शुक्र है भगवान का, आप सुनाएं। अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम उस्ताद सांवल। उस्ताद सांवल, तो उस्ताद सांवल आप इस गांव में कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल से ऊपर ही हो गए। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कि इस गांव के अंदर हिंदू कम्युनिटी के हमारे कितने घर रहते हैं? तकरीबन 200 घर है। हाँ, तकरीबन 200 घर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि बहुत बड़ा एक हिंदू कम्युनिटी का गाँव है इधर। बिल्कुल सही है। तो आप इधर रोज़ी रोटी किस तरह से करते हैं? जी ये हमारी शॉप है। अच्छा, आपकी शॉप है इधर? जी जी। तो शॉप पे आप क्या करते हैं? बाइक रिपेयरिंग करते हैं। बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं जी भाई। ठीक है, तो आप अपनी बाइक का हमें दिखाना चाहेंगे शॉप अपनी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आ जाएं। तो आ जाएं, आप हमें दिखाएंगे। चलें जी, सावल भाई हमें अपने शॉप का विजिट करवाएंगे आज। जी हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखें, ये स्कूल है जी गवर्नमेंट का इधर। ठीक है, जब जिसको अभी छुट्टी हो चुकी है तो बच्चे वगैरह जो जा रहे हैं। ठीक है, और अभी दिखाता हूँ मैं आपको उस्ताद सामिल की शॉप। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉप है उस्ताद सामिल की। ठीक है, ये देखें जी, नाम लिखा हुआ है, शायद के नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और इधर ये जी अपना बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इनसे भी मिलेंगे हम, चल के पूछते हैं। तो उस्ताद सामिल, आप बताना चाहेंगे कि ये जो पानी आपने भरा हुआ है ये किस लिए आप यूज़ करते हैं? भैया, जब बाइक का पंचर हो जाता है ना तो उसमें ट्यूब वगैरह चेक करने के लिए होता है। अच्छा, इसको ट्यूब चेक करने के लिए कि पंचर है कि नहीं है? बिल्कुल सही हो गया। और उसके बाद जी चलते हैं दुकान के अंदर और देखते हैं जी क्या क्या सामान इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है भैया? टैंकी, हवा भरने वाली। टैंकी है हवा भरने वाली। तो ये कितने, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने इसको कहते हैं, कैपेसिटी किसमें मापी जाती है, मतलब इसमें कितनी हवा आ जाती है? मिनिमम 250 पॉइंट आ जाती है। 250 पॉइंट आ जाती है। ठीक है, तो आप एक बाइक के अंदर कितने पॉइंट भरते हैं? बाइक में 50 पॉइंट होते हैं। एक टायर में 50 पॉइंट भरते हैं। सही हो गया। और उसके अलावा जी बाकी सामान भी इन्होंने रखा हुआ है बाइक रिपेयरिंग का, चल के देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है भाई, ये वाली क्या चीज़ है भाई? ये जो शाख मरम्मत करने की। अच्छा, इससे क्या करते हैं आप, शाख के क्या मरम्मत करते हैं? कोई नट ना खोल रहा ना तो इसमें टाइट करके खोले। अच्छा, मतलब कि इससे नट वगैरह खोले जाते हैं? बिल्कुल। ठीक है, और बाकी सामान आप देख लें जी, ये शाखें रखी हुई है बाइक की इन्होंने। ठीक है, और ये औजार हैं इनके जी, जो कि हमारे बाइक वगैरह खोलने के लिए काम होते हैं इधर। ठीक है, और इधर देख लें जी बाकी स्पेयर पार्ट का सामान भी रखा हुआ है। ठीक है, तो सामिल भाई हमें बताएंगे कि ये कौन कौन से स्पेयर पार्ट इधर रखे हुए हैं आपने? भाई ये बाइक के आयल होते हैं। ठीक है, ये आयल है जी, शेल का है। ठीक है, उसके बाद ये वाला होंडा का है। होंडा का है, उसके बाद ये वाला डीवर या मजू रिक्शे में थे जो सही चिमची रिक्शा ये डालता है। तो आप ये मतलब कि न्यू ला के आपने रखे हुए इधर से डाल के देते हैं। तो आपको ये कितने का पीछे से आयल मिलता है एक डब्बा? हमें मिलता है 580 का। 580 का, और आप इधर से 600 में सेल करते हैं? 600 का डाल के देते हैं। ठीक है, मतलब 20 रुपए आपको बचते हैं इसमें। सही है जी भाई, कहते हैं एक ऑयल का डब्बा डाल के देने में जी इन्हें 20 रुपए की रोजी बच जाती है। ठीक है, और बाकी ये स्पेयर पार्ट क्या कुछ रखा हुआ है इनके अंदर?
भाई जो हेडलाइट फोकस है, बैकलाइट है, मीटर बॉडी है, टोटल सामान इनके हैं। ठीक है, तो भाई कहते हैं जी तकरीबन जो काफ़ी सामान है इधर उन्होंने बाइक रिपेयरिंग का रखा हुआ है। अच्छा, तो भाई ये आप खुद ही रिपेयरिंग करते हैं या साथ में कोई शागिर्द वगैरह भी रखे हुए हैं? साथ में शागिर्द हैं जी, आज ये देखते हैं शागिर्द को इनके। ठीक है, तो ये हैं जी इनके शागिर्द। ठीक है, तो राम राम भाई। जय श्री राम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आपका क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, तो मुकेश आप इधर उस्ताद के पास कब से काम कर रहे हैं? हमें कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तो फिर तो यार उस्ताद के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। ठीक है, आप भी इसी गांव के अंदर रहते हैं? जी सही हो गया जी, ये भाई भी इसी गांव के अंदर रहते हैं। तो आपको उस्ताद जो मारते वगैरह तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको कितनी तनख्वाह देते हैं या खर्चा पानी मिलता है? खर्चा पानी मिलता है। खर्चा पानी तो कितना खर्चा मिल जाता है आपको शाम को वक्त? कितना मिल जाता है? 100 रुपये शाम को मिल जाता है। ठीक है यार, इनको 100 रुपये मिल जाता है। और साथ में ये आपके भाई हैं? ठीक है, ये भी आपके साथ इधर काम सीखते हैं। तो राम राम भाई। ठीक हो? तबीयत से ठीक है? तो आप भी इधर काम सीख रहे हो? कब आए हो इधर सीखने? 2 महीने हो गए जी इस भाई को सीखते हुए। तो आपको औजारों के नाम वगैरह सारा कुछ पता है? हाँ। 2 साल में क्या सीख लिया आपने? अच्छा, आप देखो बताओ इन औजारों के नाम क्या है? ये ऊपर जो रखी हुई है ये वाली, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? ये चाबियां हैं। और ये वाला, ये प्लास नमा, ये क्या है? ग्रिप प्लास है। ग्रिप प्लास है, इसको क्या करते हैं आप? इसे शाख या कोई और नहीं खुलती, इसे पकड़ते। अच्छा, शाख वगैरह खोलने के लिए। और ये क्या रखे हुए हैं? ये प्लास है, टी रॉड है, थोड़ी है। सही है जी, भाई ने इधर भी सामान वगैरह रखा हुआ। अच्छा, इधर ये मेज सिर्फ आपने सामान रखने के लिए रखा है जी, ये कोई और भी काम आता है? ये और क्या, बस सामान, औजार वगैरह। सही, औजार वगैरह। अच्छा, आप इधर जो है बाकी काम भी करते हैं? हाँ, बाकी काम कर लेते हैं। तो जी इनके उस्ताद से पूछते हैं। तो सामिल भाई, आप इधर सिर्फ बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं या बाकी कुछ और काम भी करते हैं? बाकी यूट्यूब चैनल भी है। सही हो गया, न्यू क्रिएट किया, मतलब आपको भी यूट्यूबर बनने का शौक है? बिल्कुल बिल्कुल। सही हो गया, तो क्या नाम है आपके चैनल का? मून ऑटोज बाइक रिपेयरिंग। मून ऑटोज बाइक रिपेयरिंग। तो जी भाई ने अपने बाइक रिपेयरिंग के काम के हवाले से ही अपना चैनल बनाया हुआ है। सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ब्रदर, क्या इधर हमारे पास मुस्लिम्स भी काम करवाने आते हैं या सिर्फ हिंदू कम्युनिटी आती है? जी बिल्कुल आते हैं, सब आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं इधर। सही है, तो अभी तो दिवाली के जो दिन चल रहे हैं, तो दिवाली की तैयारियां कैसी हैं आपके? दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक है, तो दिवाली पे इन बच्चों को भी लगता है खर्चा मिलने वाला है, तो आपको दिवाली के ऊपर उस्ताद क्या सूट वगैरह लेके देते हैं, खर्चा पानी देते हैं? खर्चा पानी देते हैं। सही हो गया जी, तो दिवाली के ऊपर मतलब आपका काम, ये शॉप बंद कर देंगे आप? जी, दिवाली वाले दिन ये शॉप बंद होगी। ठीक है, अभी दिवाली की क्या तैयारियां चल रही हैं? आपने वो सूट वगैरह सिलाई करवा ली है? जी जी बिल्कुल, हो गया सूट वगैरह, हो गया, बाकी खर्चा शॉपिंग वगैरह होगी, सब कुछ शॉपिंग वगैरह होगी, बाकी घर में तैयारियां चल रही हैं। सही, तो दिवाली के जब दिन चल रहे हैं तो आपका काम आजकल मतलब काम ज्यादा आ रहा है कि कम हो रहा है? भाई ज्यादा है ना आजकल, आजकल दिवाली की वजह से काम ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी, भाई कह रहे हैं दिवाली की वजह से आजकल जो है वो काम ज़्यादा हो रहा है इधर। सही है फ्रेंड्स, ये देख लें, तो इनकी शॉप है ये। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये जी विलेज का व्यू है इधर, अभी तक ये रोड के ऊपर इनकी शॉप है। ठीक है, और अभी चलते हैं इधर, हमारे एक और भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो राम राम भाई। जय श्री राम, कैसे हैं जी ब्रदर? ठीक, आप सुनाए? ठीक है, तबीयत से ठीक है? तो ब्रदर, मेरे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दें एक बार। मैं थोड़ा उच्च हूँ। जी जी बिल्कुल यार, सही है, बताया नहीं है कि आप इंटरव्यू नहीं, कोई बात नहीं यार, फिर क्या हो गया? अच्छा, आपके व्यूवर्स जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि मुझे जानते ही होंगे, क्योंकि हमने एक वो व्लॉग एक शूट किया था, इकट्ठा बनाया था वो पतन मीनारे वाला। सही, ठीक है, तो सारे जानते होंगे मुझे, तो हम इसी बस्ती में ही रहते हैं। ठीक है, तो मेरा थोड़ा बाइक का मसला था, तो उस्ताद शामिल के पास में आया हुआ था। सही, ठीक है, तो ये है कि बहुत ही अच्छे इंसान है ये, बहुत ही नाइस बंदे हैं। ठीक है, जायज़ मुनाफे पे बहुत ही अच्छा काम कर देते हैं, चक 99P में शॉप है। ठीक है, अगर आप कहीं भी करीब वाले हैं तो ज़रूर इनकी शॉप पे आएँ, विज़िट करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो हमारे भाई है नादिर भाई है, जो कि बहुत ही मुखलस है और अच्छा इंसान है, ठीक है, इसके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएँ, ताकि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी के जितने भी वीडियोज़ आते रहते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें।
ठीक है। दूसरा आपको पता होगा मेरा भी एक YouTube चैनल है, ठीक है, साबिर राम हिंदू व्लॉग के नाम से, तो वो भी ज़रूर जाकर आप विज़िट करें, ठीक है। और भाई की वीडियोस के लास्ट में चैनल का वो लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, वो भी जाकर आप देखें, ठीक है। और जो है बाकी हम यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब घर हैं हमारे हिंदू कम्युनिटी के। सही हो गया। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर नादिर भाई के अभी त्यौहार आया हुआ है हमारा दिवाली का बिल्कुल दिवाली का तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी के बड़ा रश लगा हुआ है, सारे बाज़ारों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप बाज़ार में भी जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर वो कोई चूड़ियाँ ले रहे हैं, कोई क्या चीज़ें, कोई दीवे वगैरह ले रहे हैं जी, ठीक है। ख़रीदारी जो है ज़ोरों शोर तरीके से चल रही है, और हम भी जो लड़के हैं, ठीक है, वो भी हम जो है भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दिवाली वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा किस तरह हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले दिवाली मनाते हैं, ठीक है। ये वीडियो लाजम आप देखा करें, ठीक है, और लाइक भी किया करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी हैं, उससे हमारा हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, सही है। तो उसके बाद ये देख लें जी, बाकी ये व्यू हैं, और ये भाई भी हमारे हिंदू ही हैं, ठीक है। तो राम राम भाई। राम राम। ठीक है, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, तबीयत से ठीक है। अभी खैर है, तैयारी शारी करके किधर जा रहे हो? हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं शहर। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं जी, ये देख लें भाई, दिवाली की शॉपिंग के लिए अभी जा रहे हैं सिटी की तरफ। तो दिवाली के पटाखे वगैरह लेके आए हो? नहीं, अब जाने हैं, अब हमने शहर फिरना है, घूमना है, और पटाखे लेने हैं। अभी पटाखे वगैरह लेके आएंगे, लेने हैं हमने आपके बूट। चलें, सही हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग हमारा इधर हम एंड करते हैं। आपको मिलवाया जी हमारे भाई उस्ताद सामिल से और साबिर भाई से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके भाई जी, धन्यवाद।